जरूर से याद रखना, अगर फ्यूचर में आपको कोई भी इसके बाद टेंस पड़ा है, वेल वैसे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने अच्छे से सारी वीडियोस देख ली है, बट तब भी अगर आप किसी से पढ़ो फ्यूचर टेंस स्पेशली, तो विल के साथ साथ मे और माइट दो शब्द जरूर से सीखना, वरना कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाएगा। सो आज हम फ्यूचर टेंस का सेकेंड पार्ट सीखने वाले हैं, एंड दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा या चल रहा होगा ऐसे समय पर, तो वो कैसे बताया जाए और उसके लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, किस तरह से फॉर्मेट बनेगा, क्या हिंदी होगी, क्या एग्जाम्पल होंगे, वो सारे हम इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, छोड़ना मत वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। और वीडियो को बहुत सारे लोग होते हैं मिड में घसीट घसीट के देखते हैं, तो भैया इतनी बोरिंग भी नहीं है वीडियो, इतना बोर भी नहीं करता आपको कि आप ऐसे करके देखो। तो वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से सीखने को मिलेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए शुरू करते हैं, इसके बाद दो वीडियोस और अच्छी, फिर अपन आ जाएगा लाइव, हर दिन हम लाइव पढ़ा करेंगे। ऑलराइट, बस टेंस की इसके बाद दो वीडियोस और अच्छी है, सीख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। आइए, सो फ्रेंड्स आज का जो टेंस है उसका नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए ये टेंस बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन उन्हीं के लिए सिंपल है जिन्होंने प्रेजेंट सिंपल टेंस सीखा है, जो कि मैंने कल पढ़ाया था वीडियो में। वो वाली वीडियो अच्छे से देखिए, वहां से कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, तब ये बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा, राइट? तो इस रूल में एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आपका रहेगा, एंड दैट इज बी। बी यहां पर काम करेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, और यही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आपको पता ही है इस रूल को उठा के हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स के साथ लगाना है, और इसीलिए मैंने बोला जिन्होंने कल की वीडियो देखी उन्हें पता है फ्यूचर में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगी। देखिए, या तो विल यूज होगा, या मे यूज होगा, या माइट यूज होगा, या फिर विल नॉट का यूज होगा। ये हमने सीखा था, विल होता है श्योरिटी के लिए, मे और माइट होते हैं पॉसिबिलिटीज के लिए। जब किसी काम के होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है तो मे आएगा, बहुत कम है तो माइट आएगा, 0% चांस है तो विल नॉट आएगा, और 100% चांसेस है तो विल ही आएगा। लेकिन यहां हिंदी बदल जाएगी, सिंपल टेंस की हिंदी कुछ और थी, प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी कुछ और होगी। अब हिंदी क्या होगी वो हम जानते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, क्या रहेगी हिंदी भाई? हिंदी देखना, मेरी राइटिंग देखना आप, जब भी देखो ऐसा ऐसे करके लिखता हूं मैं, जब भी सी, जब भी आपको बोलना हो, जब भी आपको बोलना हो कि डूअर डूअर फ्यूचर में ऐसा काम कर रहा होगा, जब भी आपको बोलना हो कि डूअर फ्यूचर में ऐसा काम कर रहा होगा, जो हमने कल पढ़ा था उसकी हिंदी थी कि डूअर फ्यूचर में ऐसा काम करेगा, लेकिन आज की जो हिंदी है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की वो है कि डूअर फ्यूचर में ऐसा काम कर रहा होगा, राइट? अब यहां पर मैंने रूल लिखा है, डूअर विल मे माइट बी एक्शन आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, यानी कि डूअर ऐसा काम कर रहा होगा। नेगेटिव, डूअर विल नॉट बी, वर्ब में आईएनजी, डूअर ऐसा काम नहीं कर रहा होगा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, आई होप कि अभी तक आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, रूल समझ में आया होगा, और आपको यह भी पता चला कि यही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस टेंस में या फिर किसी भी टेंस में। तो अच्छे से समझिए इसको, ये डेफिनेशन नोट डाउन करिए नोटबुक में, कॉमेंट में जरूर बताना राइटिंग कैसी थी। ऑलराइट, रूल तो ठीक है सीख ही लोगे आप, राइटिंग के बारे में जरूर बताइएगा। दूसरी चीज, अब जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें हम उसमें सीखेंगे एग्जाम्पल्स को, हम उसमें एग्जाम्पल लेंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल, तो आपको मजा आएगा और आपको समझ में आएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे यूज होता है। आइए,
सो नाउ हियर वी हैव कम ऑन द एग्जांपल्स। देखिए हम दोनों मिलकर किसी भी टफ से टफ रूल को बहुत सिंपल बना सकते हैं अगर आप चाहो तो मेरे साथ, राइट। अब देखिए हमने इतने टफ रूल को, इतने टफ टेंस को इतना सिंपल तरीके से सीखेंगे हम। विल, मे, माइट, विल नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब होगी, इनके साथ मेन वर्ब में बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। हिंदी, डूअर ऐसा काम कर रहा होगा, पॉजिटिव आंसर। डूअर ऐसा काम नहीं कर रहा होगा, नेगेटिव आंसर। क्वेश्चन कि क्या डूअर ऐसा काम कर रहा होगा, विल डूअर बी एक्शन आईएनजी। अब हम सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे। तो अब मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, सुनो, क्या तुम कल 10 बजे सो रहे होगे, क्या तुम कल 10 बजे ऐसा काम कर रहे होगे, क्या तुम कल 10 बजे सो रहे होगे, तो कैसे पूछूंगा मैं क्वेश्चन, विल यू बी स्लीपिंग, विल यू बी स्लीपिंग एट 10 o'clock टुमारो। जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहा हूं, विल यू बी स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे होगे। अब आपके पास चार ऑप्शन है आंसर देने के, 100% श्योरिटी है कि मैं ऐसा काम कर ही रहा हूंगा। हाँ भैया मैं सो रहा हूंगा, आई विल बी स्लीपिंग, आई विल बी स्लीपिंग। हाँ काफी चांसेस है कि हाँ मैं सो रहा हूंगा, काफी चांसेस है, आई मे बी स्लीपिंग, आई मे बी स्लीपिंग। काफी कम चांसेस है कि मैं सो रहा हूं, मतलब हाँ 10% चांसेस है कि मैं सो रहा हूंगा, I might be sleeping। फ्यूचर में काफी कम चांसेस है कि ऐसा काम हो रहा होगा, I might be sleeping, मैं शायद सो रहा हूंगा, नहीं मैं नहीं सो रहा हूंगा। डूअर ऐसा काम नहीं कर रहा होगा, I will not be sleeping, मैं नहीं सो रहा हूंगा, I will not be sleeping। देखिए सिंपल टेंस और इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ यहां पर बी एक्शन आईएनजी आ रहा है और वहां पर डायरेक्ट एक्शन था और हिंदी डिफरेंट, राइट। वहां पर अलग हिंदी थी, यहां अलग हिंदी है। तो आप आराम से सीखिए, दिमाग लगाइए कि ऐसे एग्जांपल कितने आप बना सकते हैं खुद से मन से, राइट। जैसे कि सुनो, क्या तुम 10 साल बाद भी मेरी मदद कर रहे होगे, क्या लगता है तुम्हें, विल यू बी हेल्पिंग मी आफ्टर 10 ईयर्स, विल यू बी हेल्पिंग मी आफ्टर 10 ईयर्स। मैंने बोला I might be helping you, 10% 15% chances है कि मैं तेरी मदद कर रहा हूंगा, I might be helping you, I may be helping you, हो सकता है, मतलब chances तो है अगर हम दोनों में अच्छा चला सब कुछ तो, हाँ 50% chances है मैं तेरी मदद कर रहा हूंगा, I may be helping you, definitely यार मैं तेरी मदद कर ही रहा हूंगा, we are friends like we are brothers, so I will be helping you, I will be helping you। नेगेटिव, मैं तेरी मदद नहीं कर रहा हूं, आई विल नॉट बी हेल्पिंग यू, आई विल नॉट बी हेल्पिंग यू। ऐसी मैंने बोला, सुनो क्या कर रही होगी वो, वॉट विल शी बी डूइंग, वॉट विल शी बी डूइंग, वो शायद से यू नो क्लास अटेंड कर रही होगी, शी माइट बी अटेंडिंग द क्लास, शी मे बी अटेंडिंग द क्लास, हाँ वो क्लास ही अटेंड कर रही होगी पक्का, शी विल बी अटेंडिंग द क्लास, शी विल बी अटेंडिंग द क्लास। कल 10 बजे तुम क्या कर रहे होगे, वॉट विल यू बी डूइंग टुमारो एट 10 o'clock, मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूंगा, आई मे बी अटेंडिंग द मीटिंग, आई माइट बी अटेंडिंग द मीटिंग, या आई विल बी अटेंडिंग द मीटिंग, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूंगा, आई विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूंगा, आई विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूंगा। सो आई होप कि आपको एग्जांपल समझ में आए होंगे, बहुत सिंपल कर दिया हमने इस टेंस को जिसका नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कोशिश करिएगा इन हिंदी के साथ आप कुछ एग्जांपल्स बना सको, एटलीस्ट 5 से 6 एग्जांपल आपको बनाना है और प्रैक्टिस करना ताकि रूल दिमाग में घुस जाए। चूंकि सारे टेंसेस पढ़ाने के बाद में एक टेस्ट पेपर बनाने वाला हूं जिसमें सारे टेंसेस के एग्जांपल रहेंगे हिंदी में और उनको आप सॉल्व कर सको, इसलिए आपको प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी, राइट। सो ऑलराइट, अगला पार्ट में कल बनाऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू टुमारो।